काले सड़क के कुत्ते तेरे बाप ने पैसे दिए जो लिलीज उठा कर लाया है? सॉरी मैम। तुझे लिस्ट दी थी ना मैंने, बताया था ना कि रितेश को लिलीज से एलर्जी है, तो ये लिलीज अपनी मैया के लिए लाया है। तो जैसे दो कौड़ी के इंसान की वजह से ना, मैं अपने रितेश की पार्टी बर्बाद नहीं होने दूंगी, समझा? उठ यहाँ से। ये गलती से हो गया, मैं अभी। चुप! तू ये ना वो थर्ड क्लास इवेंट मैनेजमेंट का मेन आदमी, तू ही आता ना कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए कि मेरी कंपनी को पिच कर दो। सुनो है मेरी बात, आई टोल्ड यू वॉट एग्जैक्टली रितेश वॉन्ट्स, I told you that he's very specific about his thing. Air conditioning का temperature 22 degrees, ना एक degree नीचे, ना एक degree ऊपर. और pink color की कोई cocktail नहीं होगी party में, रितेश just hates the color pink. And of course, no lilies. इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आती ना? I know, मैं अभी अभी क्या? If you know, तो ये सारी चीजें किसने करी? तेरे पूर्वज आए थे क्या ऊपर से ये कांड करने के लिए? I promise, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। You better be. वरना तुझ जैसे को ना खड़े खड़े बिकवा दूंगी। और फिर तेरा खानदान आएगा वो चोर बाजार में तेरे पुर्जे खरीदने के लिए, समझा? देख क्या रहा है, है? नजर नीचे नीचे। आपका फोन। ये अपना गटर समेट और जैसा मैंने कहा है ना वैसा डेकोर कर यहाँ पर, समझा? उठ यहाँ से। हाँ रितेश, अब किस पे चिल्ला रहे हो कामना दी? तुझे कैसे पता चला? अरे घर पे पार्टी हो, आपके चिल्लाए बिना काम परफेक्ट थोड़ी होगा। भाई रितेश तेरी पार्टी है तो उसको परफेक्ट से कम तो नहीं कर सकती, इसके लिए थोड़ा बहुत तो चिल्लाना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई से यू आर द बेस्ट, थैंक यू। अगर आप शश, कितनी बार तुझे कहा है कि अपनों को थैंक यू नहीं बोलते, अपनों को सिर्फ आई लव यू बोलते। अब ये बता कि घर कब तक आ रहा है? अरे ये राहुल की एक और थिएटर विजिट है, उसके बाद ही आएंगे। ओ हाँ, बाय द वे मैंने वो थिएटर के कियोस्क के बारे में सुना, तू ठीक है ना? वाओ, आपको कैसे पता चल गया इतनी जल्दी? सुपरस्टार रितेश की खबर है, तू छींकता भी है ना तो पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। अच्छा सुन मेरी बात ध्यान से, राहुल को कहना कि बहुत ज्यादा केयरफुल रहे और कहीं पे भी कुछ भी रिस्क लगता है ना तो यू बेटर डोंट गो। केयरफुल बोल रही हैं। सॉरी कामना दी। There is nothing more important than your safety, बेटा। Yes, yes, बस थिएटर विजिट खत्म करके पहुंचते हैं। नहीं, 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 नहीं। अरे मौज मेरे बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है जुन, मैंने कहा ना नहीं। एक बार मौज। एक बार नहीं, आधा बार नहीं, नहीं मतलब नहीं। पुंगी जलेगा। नहीं चलेगा, लगा के फूको मारूंगी ऐसे। नहीं पुंगी, सच में दर्द होगा। प्लीज नहीं, प्लीज। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? तो माँ बेटी का ड्रामा खत्म हो गया होगा, तो खाना लगा दूं। राजेंद्र जी, ये दोनों ऐसे ही पिक्चर दिखाती रहेंगी। मौज नहीं, मौज दर्द होगा, प्लीज उनकी बोलना। मौज नहीं, मौज आ, मौज दर्द हो रहा है। मौज नहीं प्लीज। नानी अब ऐसा दवाई क्यों लगा लिया मौज को, उनको इतना दर्द हो रहा है। दवा मैंने इंदु को लगाई और आंसू सोन की आंखों में आए। पुंकी,
क्या हुआ मौज? जून को रोता हुआ देख आप भी इमोशनल हो गई ना? जून, जून इंदु का रिश्ता, उनका प्यार, उनकी भावनाएं, सब कुछ मेरी समझ से परे है आशा। खून का रिश्ता ना होते हुए भी सगी माँ बेटी से गहरा रिश्ता है उनका। एक को दर्द होता है तो दूसरा रोने लगता है। पर मौज, हर रिश्ता खून का नहीं होता। हाँ, पर हर रिश्ते की नींव इतनी गहरी नहीं होती। इंदु और जून का रिश्ता कच्चे धागे की तरह है जो कभी भी टूट सकता है। सोच आशा, कल को जब जून को सच्चाई का पता चलेगा तो फिर क्या होगा? और अगर उसके घर वाले लेने आ गए तो इंदु क्या करेगी? मौज, कोई नहीं आने वाला। जिसको आना होता वो अब तक आ जाता। तूफान दस्तक देके नहीं आता बेटा, वो कभी भी आ जाता है। हाँ तो आ जाने दो ना, हम सब हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे उस तूफान से। जून इस घर की बेटी है, और इंदु की छोड़ो मौज, आप बताओ क्या आप जून के बिना रह सकती हो? हाँ, रह सकती हूँ मैं उसके बिना, क्योंकि जून मेरी बेटी नहीं है, इंदु मेरी बेटी है। और वो जून? इंदु की जिंदगी की वो हिचकी है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जून के जाने के ख्याल से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तू ना आजकल ज्यादा ही बोलने लगी है। चल जल्दी से खाना निकालते हैं, आ जा। मौज, आप चाहे मुझे कितना भी इग्नोर कर लो, पर फैक्ट यही है कि जून इस घर की जान है और वो उतनी ही अपनी है जितने की हम सब। हाँ, पर हम किसी की जिंदगी की रुकावट नहीं बनते। और वो जून मेरी बेटी इंदु के नए रिश्तों की बेड़ी बनी बैठी है, और उस बेड़ी को टूटना ही होगा। मैं माँ हूँ और उसे ऐसे जेल में बंद होते नहीं देख सकती। ये ले, टेबल पे रख लिया जा। Okay. मुझे ये लेके जाना। I'm so sorry. मैं अंदर की तरफ जा रहा था, टक्कर हो गई, सब्जी गिर जाती। रिलैक्स विवेक, कुछ नहीं हुआ। आपको लग जाती, आप गिर जाते। रिलैक्स विवेक, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो मैं सबके लिए खाने की प्लेट लगा रही थी, आपके लिए भी लगा दूं? रितेश के लिए पार्टी एक प्राइवेट अफेयर है, इसलिए गलती से भी इस पार्टी में कोई स्यापा नहीं होना चाहिए, समझ गए? जी मैम, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तुम जैसे दो टके के लोगों का ना यही प्रॉब्लम है, तुम लोग सामने तो मैडम मैडम करके चाटते रहते हो लेकिन पीछे से जाकर बवाल करते हो। लेकिन कान खोल के सुन लो एक एक जना, इस पार्टी में इस गेस्ट लिस्ट के अलावा एक भी इंसान आया ना तो तुम सबकी बस की टिकट कटवा के तुम्हें गाँव भेज दूंगी। और इतनी सी बात पे हिटलर ने वाट लगा दी हमारी। बाइकॉट कोई और होता ना तो दीवार में चिपका देते, सच्ची में। और फैमिली वाले खरोच खरोच के निकालते उसे। वो भी ना विवेक, अरे कोई नाम तो होगा उस हिटलर का। पता नहीं आंटी, हम तो उसे हिटलर बुलाते हैं। ऐसे पर रितेश मल्होत्रा की चाची है, पर किसी भी एंगल से इतनी बड़ी नहीं लगती है। ब्रो, ये सारे फिंस्टर्स एक जैसे होते हैं, 75 टाइप के तो स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं, और पता है खाने में क्या खाते हैं? सिर्फ एक गाजर और एक खीरा। बूढ़े कहाँ से लगेंगे? सही है। चलो। हाँ, आ रही हूँ।
अच्छा सुन ना पायल, तू एक काम कर, तू फाइल्स रेडी रख, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ओके। मैं क्या कह रहा था, रितेश मल्होत्रा के घर। अंकल, आप सुपरस्टार रितेश की बात कर रहे हो? हाँ बेबी, आज उनकी फिल्म की सक्सेस पार्टी है और मेरी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। आप आज उनके घर में जाओगे? हाँ, चलेगी तो? हाँ, मुझे उनके साथ सेल्फी भी लेनी है। उन्हें प्रॉमिस किया है, तब मिलेंगे तो सेल्फी लेंगे। मौज, मैं जाऊँ? कहीं नहीं जाना है। बहुत हो गया रितेश, 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 रितेश। चुपचाप खाना खा लो, होमवर्क करो और कहीं नहीं जा रही है, बस। ओ मदर इंडिया, क्यों गुस्सा कर रही है? करनी तो ना बच्ची को एंजॉय। एंजॉयमेंट के चक्कर में आज क्या हुआ पता है? ऊंचाई से गिरती गिरते बच्ची यही है। क्या तू तू ठीक तो है? ठीक है बॉस। पार्टी वैसे भी ग्राउंड फ्लोर में है, डोंट वरी। और वैसे भी उनका टेरेस सेकंड फ्लोर पे है। विवेक, सॉरी यार, मजाक कर रहा था यार। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार? मैं ध्यान रख लूंगा इसका। और तू काम करने जा रहा है, बेबी सिटिंग करने? ओए बॉस हूं मैं, काम मेरा असिस्टेंट करते हैं और मैं तो सिर्फ बैश करता हूँ। हाँ, तेरे से बेहतर ना सही, लेकिन तेरे जितना ख्याल रख सकता हूँ मैं जून का। और वैसे भी मैं कौन सा रात भर रखने के लिए कह रहा हूँ, वहां पर रितेश से मिलवाऊंगा, सेल्फी लेगी और फिर तू आ जाइयो पिक करने के लिए। ठीक है जा। अब तुम रितेश के घर जाएगी? हाँ, और तेरा नाम मैं गेस्ट लिस्ट में डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखना अपना, ठीक है? सुपरस्टार के घर। चलो इतना बड़ा टीवी। से बोल पिटवाएगी क्या? अब तू शांति से यहाँ पे बैठ, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। और हाँ, कोई बदमाशी नहीं। मैं क्या बदमाशी करती हूँ, मैं तो इतनी सीधी हूँ। मुझे पता है तू कितनी सीधी है। अंकल, ये कैसे कब मिलेंगे? अभी तो घर पे नहीं है, वो जैसे ही आएंगे मैं तुझे मिलवा दूंगा। ओके अंकल। ये क्या है? ये उनकी फेवरेट चॉकलेट है। तुझे लगता है वो खाएंगे? हाँ हाँ, मैंने न्यूज़ में देखा है। अच्छा, तो तू उनकी न्यूज़ भी देखती है? हर आर्टिकल भी पढ़ती हूँ। मुझे नीतीश के बारे में सब मालूम है। विवेक सर, प्लीज यहाँ आइए ना। हाँ, तू यहाँ पे शांति से बैठ, मैं अभी आता हूँ। ओके अंकल।
वो सांसें अटक गई थी आज, बट आई एम सो ग्लैड आज इवेंट अच्छे से गया। आई नो यार, अब बस मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, चिल और पार्टी करना चाहता हूँ। मेक श्योर आज रात को कोई जर्नलिस्ट ना आए। ऑफ कोर्स ब्रो, आज स्कूल वाली नहीं कॉलेज वाली पार्टी है। कामना दी से ऑलरेडी बात की है, सब अरेंजमेंट हो चुके हैं। तू घर जा, तैयार हो क्या? डोंट बी लेट। बस यू गया यू आया, बाय। अरे सर आप, अरे पांडे जी कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। मिसेस पांडे, घुटना ठीक है उनका? जी सर। चलो बढ़िया, देखो आज रात को घर पे पार्टी है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? और हाँ, पार्टी है तो बच्चों के लिए केक, खाना, आइसक्रीम सब लेके जाइए, आप लोग भी पार्टी कीजिए भाई। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, स्टार हो तो ऐसा। ओहो, क्या बात है कामना दी, माइंड ब्लोइंग। हाय, सॉरी मैंने आपको उठा दिया। नो नो, आई एम सॉरी। व्हाई आर यू सॉरी? मैं आपके घर आके सो गई ना। इट्स ओके। मौज कहती है ऐसे किसी पर सोते नहीं। मैं आपको ही मिलने आई थी। बोलो। और मैं आपकी फेवरेट चॉकलेट मिल आई। आई तो पिक्चर गई। कोई बात नहीं, आपको पता है इसको खाने का बेस्ट तरीका? इससे चॉकलेट अच्छी। मुच्ची। इससे चॉकलेट और भी मीठी हो जाती है। अच्छी ना? चलो अभी यहाँ से लो। लो, इस काम पे आए थे वो तो भूल गए। हाँ, क्या? सेल्फी? यस, चलो। पर मेरे पास फोन नहीं है। फोन नहीं है? हेलो सर, आई होप ही आपको परेशान नहीं कर रही है। नहीं नहीं, आप कौन? अब मैं विवेक, ये पार्टी मेरी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। नाइस। सॉरी, मेरे हाथ में चॉकलेट। एक मिनट, मैं टिश्यू लेके आ। ये लीजिए टिश्यू। तो ये आपकी बेटी है? नहीं, मेरी नेबर की बेटी है, आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ जानता हूँ, मेरी क्यूटेस्ट यंगेस्ट फैन है ना। मॉम कहाँ है इसकी? मदर ऑफिस में। तो इसको पड़ोसी के पास छोड़ के काम पे चली गई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। व्हाटएवर, आपका पर्सनल मैटर है, मेरे हिसाब से वो औरत एक बहुत ही गैर जिम्मेदार माँ है। आपने कुछ कहा सर? नहीं। और चॉकलेट खानी है आपको? कम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कम कम, यस वेरी गुड, कम। वन टू, here we go, here we go। यहाँ बैठो और मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। बैठो। मैं जो बोलूंगी वो आप करोगे? आप ही ने कहा मैं जीनी रितेशु, जीनी कुछ भी कर सकता है। ये पापा तुम लोगे? बच्ची आज दूसरी बार मुझे अपने पापा के बारे में पूछ रही है। न जाने कैसी माँ है इसकी, जिसे ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी अपने पापा को कितना मिस करती है।